नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक हफ्ता के अंदर में अभी दोस्तों सेल टैक्स का अभी छापा पड़ा हुआ था बिगिन मटेरियल के बिजनेस में दोस्तों, जिनका अभी जीएसटी नहीं बना है। दोस्तों जीएसटी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इस बिल्डिंग में आने से पहले ही जीएसटी बनाते हैं तो और बढ़िया है। और जैसे आप इस बिजनेस में आते हैं, गिट्टी सीमेंट बालू सरिया के बिजनेस में आप जैसे आते हैं, तो वहां पर दोस्तों आप तुरंत जीएसटी बना दीजिए और वहां पर रिटर्न फाइल भरना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अभी एक हफ्ता के अंडर में मेरे जहाँ गांव है बिहार के रोहतास जिला के पोचस ब्लॉक में, यहाँ पर दोस्तों टोटल देखा जाए तो 30 ले 32 टोटल करीब 34 दुकान पर लोग छापा मारा है, जिसमें से कोई जीएसटी बनाया है तो दुकान के आगे जीएसटी का नंबर लिखा नहीं है। नियम क्या है कि जब आप जीएसटी लिए हैं तो आपको दुकान के आगे जीएसटी का नंबर लिखना है, नहीं तो सेल्स टैक्स वाला छापा मार देगा आपके यहाँ और फाइन मार देगा। दोस्तों कहीं पर फाइन मार मारा है 50,000, कहीं पर 1,000, कहीं पर 2 लाख रुपया फाइन मारा है। दोस्तों पहला नियम क्या है कि जब भी आप जीएसटी ले लिए तो सेल्स आप दुकान के आगे अपना एक बैनर बनाकर वहां पर जीएसटी नंबर लिखना है और अपना फार्म का नाम लिखना है। दोस्तों करीब 12-13 दुकान पर ऐसा छापा मारा है कि वहां पर वो आदमी जीएसटी लिया है पर वह उसमें रिटर्न फाइल भरता नहीं है, यानी कि माने कच्चा माल से लेता है, पक्का माल पक्का बिल से नहीं लेता है, कच्चा बिल से अपना लेन देन करता है। जीएसटी है तो नाम गया होगा उस पर ट्रांजेक्शन रिटर्न फाइल भरता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लोग को भी करीब 1 लाख रुपया कहीं पर 80,000 ऐसे करके बहुत से लोगों का छापा मारा है। और दोस्तों इस बिजनेस में जीएसटी भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जीएसटी के साथ में अगर आप होते हैं तो उसमें आने वाला फ्यूचर में अच्छा रहेगा, आप सरकार के नजर में रहेंगे। तो दोस्तों आप जब भी रहे तो जीएसटी के साथ में रहे, जीएसटी के लिए जीएसटी बनवाना बहुत आसान है। आप कोई भी साइबर कैफे में जाकर आप कैसे बनना है समझ सकते हैं और कोई भी आप कम पैसे में कोई अपना सीए हायर कर सकते हैं, वो आपका जीएसटी को मैनेज करेगा। और दोस्तों उसका क्या सिस्टम है, क्या रूल नियम है, जीएसटी कैसे बनता है, वो आपके एरिया के सीए आपको एकदम बारीकी से इसके बारे में डिटेल से बता देंगे। बट दोस्तों ये वीडियो में मैं लास्ट में बोलूंगा, इस बिजनेस में आप आए हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा और जीएसटी लेकर फर्स्ट ऊपर आप एक बनाइए बैनर, अपना फार्म का नाम ऊपर हेडिंग पर लिखकर और नीचे में बड़ा बड़ा अक्षर में अपना जीएसटी नंबर लिखिए। उसके बाद जब आप जीएसटी लिए हैं तो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, हाँ पर कम ही सही, पर हर महीना ट्रांजेक्शन जीएसटी पर शो होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दुकान पर जैसे इस बिजनेस में आए आप जीएसटी ले लीजिए। तो दोस्तों इस बात पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आने वाला फ्यूचर में कभी भी सेल टैक्स का छापा आपके यहाँ नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू।